न्याय से ज्यादा संतोषजनक चीज कुछ भी नहीं हो सकती, और ये तब ज्यादा अच्छा लगता है जब वो अपने आप ही आ जाए। इस ब्रह्मांड के कुछ समय बदलने वाले मजेदार अंदाज के हिसाब से कर्मा समय की शुरुआत से ही न्याय करता आया है, लेकिन आजकल के तकनीकी विकास ने इसके चालाक और नायाब तरीकों को हमें वीडियो में कैद करने के लायक बना दिया है। इसलिए जनता के मन की शांति के लिए कर्मा के स्थान से न्याय करते हुए यहाँ पेश है एक संपूर्ण मिश्रण उन संतोषजनक समस्याओं का जब कर्मा कुछ बिगड़े लोगों के लिए आता है, भूत और वर्तमान में। इंटरनेट की बदौलत आज हम उस संतोष को महसूस कर सकते हैं जब कुछ बेहुदा लोगों को तुरंत न्याय मिलता है, वो भी कुछ बेहद आरामदायक वीडियोस से। इस वायरल क्लिप में एक महिला साफ तौर पर यही सोचती है कि एक दोस्त के साथ उसकी बातचीत ट्रेन के समय पर स्टेशन से निकलने के मुकाबले कहीं ज्यादा जरूरी है। ट्रेन का लेट होना काफी परेशान करता है, खासकर तब जब वो कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से हो। एक तेज किक के साथ स्थिति को सुलझाया जा सकता है, बाकी यात्रियों के हैरानी भरे आनंद के साथ। पीढ़ियों से गुजरती हुई ये समयहीन कहानी 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू होती है, जब टेक्सन हेनरी जीलैंड ने अपनी सगाई के साथ अपने मंगेतर का दिल भी तोड़ दिया। इससे वे इतनी मायूस हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। बदले की आग में जलते हुए उसके भाई ने हेनरी के घर का रुख किया और पहली गोली चलाकर फिर अगली गोली खुद पर चला दी, लेकिन उसे कहां पता था कि गोली हेनरी के सिर को छूती हुई पीछे के पेड़ों में जा लगेगी। हेनरी बचकर निकल गया और इस बात को 20 साल बीत गए। एक दिन हेनरी अपनी जमीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था। इसी काम के लिए वो कई पेड़ों को हटा रहा था, लेकिन एक पेड़ को उखाड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। हेनरी ने उसे कुछ टीएनटी के साथ उड़ाने का सोचा, जो कि तब सुनने में इतना अजीब नहीं था जितना कि अब लगता है। हेनरी ने उसे टीएनटी से उड़ा दिया और तुरंत मर गया। हालांकि उस धमाके से नहीं, उस पेड़ के भीतर वही 2 दशक पुरानी गोली धसी हुई थी जिससे वो बाल बाल बच गया था। उस धमाके ने वापस उस गोली को चला दिया और वो अपने सही निशाने पर जा लगी। लगता है उसकी प्रेमिका को आखिरकार अपना इंसाफ मिल ही गया। आज आप देखेंगे कि एक काउबॉय को नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए। हथियार लिए ये लुटेरा नौसिखिया लगता है, शायद इसलिए उसने ना तो कोई नकाब पहना और ना ही अपनी रोज की हुडी और टोपी को बदलना उसने जरूरी समझा। वो ऑपरेटर और पास खड़े एक मुच्छड़ को अपनी हैंडगन दिखाकर धमकी देता है और उसके लिए सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जिस तरीके से ये शख्स अपने सनग्लासेस उतारता है, आप बता सकते हैं कि उस लुटेरे का समय अच्छा नहीं होगा। लेकिन चीजें एक अलग ही मोड़ ले लेती हैं जब एक अनजान ग्राहक अपने सामान के साथ उसकी ओर आती है। वो लुटेरा चौंक जाता है और एक भारी गलती कर देता है। उसे बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि वो काउबॉय उसके ध्यान भटकने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो लुटेरा दूसरी की ओर पलटता है, काउबॉय उस पर हमला कर देता है। धैर्य और बहादुरी का ये दुर्लभ और असंभावित कृत्य सही समय में सही जगह पर सही व्यक्ति के होने के बाद अच्छा उदाहरण साबित हुआ। थोड़ी हाथापाई के बाद लुटेरे को शानदार तरीके से दबोच लिया गया। चलो फिर देखते हैं क्या कर्मा फेमिनिस्ट है। इंसानों के इतिहास के ज्यादातर किस्से देखते हुए शायद आपको ऐसा ना लगे, फिर भी 1887 की ये कहानी कुछ सवाल खड़े करती है। महिलाओं पर तंज कसने और आनंद लेने की कोशिश करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग कंसास शहर में महिलाओं के अधिकारियों के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की सफलता से नाराज होकर कार्रवाई करने का फैसला किया। लगभग 20 पुरुषों के समूह ने मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवारी दर्ज की सुजैन सन्ना सॉल्टर नाम की एक महिला के खिलाफ, लेकिन उनके राग जल्दी ही हैरानी में बदल गए। पुरुष निश्चित थे कि कोई भी कभी भी मेयर के रूप में एक महिला को वोट नहीं देगा, लेकिन सुजैन, जो की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सख्ती से राजनीति में शामिल करना चाहती थी, 60% वोटों की जीत के साथ आगे बढ़ी। वो संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला मेयर बनी और भला इससे बड़ी मिडिल फिंगर की अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है। एक लापरवाह ड्राइवर से ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात और क्या हो सकती है, जो ये समझता हो कि उसे अपनी सुविधा अनुसार नियमों को तोड़ने का अधिकार है, खास करके जब वो अपनी इन हरकतों से दूसरों को खतरे में डालते हैं। खुशकिस्मती से समय समय पर कर्मा हमारे बचाव में आखड़ा होता है। मोटे तौर पर ये है कि एक बेचैन सरफरा ड्राइविंग लेंस को अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही नहीं समझता है और पार्किंग लेन में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है। थोड़ी देर बाद आगे एक रोशनी का एक सेट दिखाई देता है। कैमरामैन को भी सामने कार के पास लाल और नीली रोशनी देखकर बड़ा आनंद आता है। हम सभी की तरह कैमरामैन उस लापरवाह ड्राइवर के पास से गुजरता हुआ मुस्कुराता है, जिसके पीछे एक पुलिस कार खड़ी थी और अब गुस्से में खड़ा किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर रहा होता है। कर्मा तैयार है। लाजवाब इंस्टेंट कर्मा के इस मामले में एक डैश कैम ओनर गाड़ी को बाई लेन में मोड़ लेता है ताकि बढ़ते ट्रैफिक से बच सके, लेकिन एक गाड़ी चालक जो कि स्पीड लिमिट से कहीं ऊपर चल रहा होता है, वो डैश कैम यूजर उसे देख ही नहीं पाता। पीछे चल रही इस कार को ब्रेक लगाने पड़ते हैं, लेकिन गुस्से से तिलमिलाता हुआ वो डैश कैम वाले के सामने गाड़ी रोक लेता है और उलझने के लिए गाड़ी से उतरता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से निकला, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। एक पुलिस वाले ने पूरी घटना देख ली थी और पीछे आ खड़ा हुआ। अपनी लापरवाही और हिंसा की धमकी को ढकने के लिए वो उस डैश कैम यूजर पर दोष मढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और अंत में उस पर जुर्माना लगाया गया। कभी किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू से निकलते वक्त लगा कि हालत इससे खराब नहीं हो सकती थी? आपका अनुभव कितना ही बुरा हो, लेकिन इस कैंडिडेट को तो कर्मा केक मिल गया। जब कैंडिडेट रिक्रूटर मैट बुकलैंड को रास्ते
रास्ते में धक्का मुक्की करते हुए एक शख्स बेवकूफ कहता हुआ निकल जाता है, तो वो इस लड़ाकू बर्ताव को किसी तरह भूलते हुए अपने काम पर आते हैं। वो इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करता कि अपने ऑफिस पहुंचकर जिस भावी नए एम्प्लॉय का वो इंटरव्यू लेने वाला है वो वही बदतमीज और बेरुखा शख्स होगा जो अब उसके सामने बैठा है। कहने की जरूरत तो नहीं है कि उसे वो नौकरी नहीं मिली, लेकिन हाँ कर्मा के एक अच्छी खासी डोज जरूर मिल गई। आपका सबसे बड़ा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहा है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। क्या मालूम हमारी अगली वीडियो में आपको भी शामिल कर ले हम। खेल समय समय पर काफी उग्र हो जाते हैं, लेकिन इसके चलते चीटिंग को सही नहीं कह सकते। यहाँ कर्मा दोहरी चाल चल सकता है, क्योंकि पहले वो साइकिलिस्ट पहले तो अपनी साइकिल से गिरता है एयर, फिर कुछ नाराज फैंस भी वहाँ आ जाते हैं और एक बार जो वो आए तो उसका खेल खत्म। उसके लिए ये एक डर का समा था जब नीचे पानी को देखा, लेकिन जो भी ये काफी लंबी फॉल थी और आखिरकार न्याय बड़े बेहतर तरीके से मिला। हर किसी को लूटपाट के बदले अपने ही किस्म का न्याय करने को नहीं मिलता, ना ही होना चाहिए। हमारे पास कानून है उन्हें जिम्मेदारी से आराम देने के लिए, लेकिन कभी कभी उस क्षण भर की गर्मी में एक ऐसा मौका मिल जाता है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। लॉस एंजलिस के डेनिस के बाहर का ये वीडियो एक लूट की कोशिश में हुई गलती को दिखाता है। एक अपराधी किसी की कार में घुसकर उसका सामान चोरी करने की कोशिश में होता है, लेकिन उसे इसका बिल्कुल अनुमान नहीं होता कि वो व्यक्ति अपने तरीके से न्याय करेगा। इससे पहले कि चोर को समझ पाता उस आदमी ने तुरंत अपनी गाड़ी घुमाई और उस भागते हुए चोर की तरफ ले गया। चोर ने अपने भाव में बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और एक टक्कर ने उसे हवा में भेज दिया। हालांकि बात इतनी सी भी नहीं है, जब कार चोर से टकराई तो उसके आप से बाहर हो गई और उसने अपने ही पैर में गोली मार दी। वो पुलिस से भी भाग नहीं सकता था क्योंकि वो अब आईसीयू में पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल से आखिरकार निकलने पर भी उसके ऑन कैमरा क्राइम की वजह से ज्यादा जश्न मनाने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि इसके बाद वो सीधे जेल जाएगा। क्या पीटा कर्मा को कंट्रोल करता है? ये लगता तो ऐसा ही है। जब ये प्रो एनिमल राइट पर तुरंत कर्मा का ये अविश्वसनीय मामला सामने 2015 में सामने आया, जब एक टैक्सन ने अपनी संपत्ति पर एक शैल वाले घुसपैठिए को देखा तो उसने तुरंत अपनी 0.38 रिवॉल्वर को निकाल लिया। आप शायद जानते हैं क्योंकि गन फायर एकमात्र तर्कसंगत तरीका है किसी आर्माडिल्लो से छुटकारा पाने का। उसने निशाना साधा, 3 बार फायर किया, लेकिन उसकी गोली क्रेटर के खुल से टकरा कर उसी के सर पर आ लगी। उसकी खुशकिस्मती थी गोली उसके जबड़े पर लगी और चोटें मामूली थी। मुझे शक है कि वो फिर ऐसे किसी जानवर के खिलाफ दोबारा धावा बोलेगा। ये टेक्सास और कर्मा के बीच न जाने कौन सी जुगलबंदी है। फ्रेंक क्रोइस्ट ओलोनोइस की कहानी भी बड़े मजेदार है। वो 1600 के दशक दौरान कैरेबियन में एक समुद्री डाकू था। समुद्र तट के लोगों को यात्राएं देने की उसकी एक बेहद बुरी आदत थी। वो और उसके साथ ही पीड़ितों का मांस नोचने में बड़ा आनंद लेते थे, जब तक वो लोग जख्मों के कारण मर न जाएं। लेकिन कर्मा ने उसके भीतर से उसका मांस भी खींच निकाला जब उसका जहाज पनामा के मूल निवासियों ने ध्वस्त कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। इन एकहीन लोगों ने बिन बुलाए मेहमानों को दी जाने वाली अपनी परंपरागत सेवा का मजा उन लुटेरों को चखाया, उन्हें जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दिया और अंग दरंग तेज आग में फेंकते गए। अब बारी है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे के कुख्यात मामले की। आप पहले से जानते होंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये नव आविष्कृत गैलोटिन पेरिस के शिष्टाचार के मुकाबले कहीं ज्यादा था। रिवॉल्यूशन के दौरान और बाद में कुछ खास लोगों की मजबूत वकालत के बाद ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक बेहद बेहतरीन गैलोटिन ही उनकी मांग को पूरा कर सकता था। मॉन्सियोर रोबेस्पियरे वो शख्स था जो खास तौर पर अपने कथित राजनीतिक विरोधियों को आतंक के उस राज में इस ब्लॉक पर भेजने का शौकीन था, लेकिन भीड़ साफ कट के लिए उनकी ये वासना जल्द ही उनके खिलाफ हो गई और उनकी खुद की गर्दन चॉपिंग ब्लॉक का शिकार हो गई, जब क्रांति के अराजक ज्वार उनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। इसी तरह का तेज चमकदार न्याय उसके साथियों की गर्दनों पर भी गिर गया। प्रतिस्पर्धी खेलों के जंगलीपन में फंसना काफी आसान है, लेकिन इसके चलते खिलाड़ियों के प्रति हीन भावना रखना सही नहीं है। आखिरकार वो अपनी टीम हो या फिर ना हो, वे आपके मनोरंजन के लिए वहाँ मौजूद हैं। एक गेम के दौरान शिकागो ब्लैक हॉक्स के स्टीव सलविन ने एक दर्दनाक हॉकी स्टिक चेहरे पर खाई, लेकिन एक फैन आपसी सम्मान की परवाह किए बगैर बैरियर की दूसरी ओर से सुलिवान का मजाक उड़ाने लगा। स्टीव अप्रभावित दिखाई दिया, शायद वो जानता था कि कर्मा उसके लिए कुछ मीठा, काफी मीठा बदला लेने वाला था। इसके बाद एक आवारा पक हवा में उड़ती हुई आई बैरियर के उसके पार सीधे भीड़ में उस शख्स के चेहरे पर जा लगी जो कि गभी मजाक करके तंज कस रहा था और मानो उसके घाव पर नमक छिड़कते हुए सुलिवन ब्लैक हॉक्स की ओर से खेल में 2 गोल भी कर देता है। न्याय इससे ज्यादा तेज या सटीक शायद कभी नहीं हो सकता। तो क्या आपकी अपनी इंस्टेंट कर्मा की कहानियाँ हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।